नमस्कार। मुंबई के डोंबिवली में एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आ रही है। चाकू से घायल एक शख्स की आंख पेट से बाहर निकल गई। इसके बाद घायल शख्स आंख को हाथ में पकड़कर अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंचा, जिसे देखकर सभी हैरत में पड़ गए। जानकारी के मुताबिक डोंबिवली क्षेत्र के मनपाड़ा में रविवार रात नेपच्यून अस्पताल के पास हर्षद के मिनी ट्रक ने केबल ऑपरेटर पंडित म्हात्रे की कार को टक्कर मार दी। हर्षद के साथ उसके चाचा बंडू रसल भी वाहन पर सवार थे। इसके बाद म्हात्रे ने गाड़ी रोक कर बहस शुरू कर दी और हर्षद को बुरा भला कहने लगा। हर्षद के चाचा बंडू रसल ने म्हात्रे को समझाने की कोशिश की और नुकसान के लिए मुआवजा देने की भी बात कही। मुंबई पुलिस की माने तो इसके बावजूद म्हात्रे तीखी बहसबाजी करता रहा। फिर उसने फोन कर कुछ लोगों को मौके पर बुलाया। कुछ ही देर में तीन लोग वहां पहुंचे और हर्षद और बंडू के साथ मारपीट करने लगे। अपना बचाव करते हुए हर्षद ने भी हमला किया, जिसके बाद म्हात्रे चिल्लाते हुए अपनी कार की तरफ गया और चाकू निकाल कर हर्षद पर वार कर दिया। हमले में हर्षद गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उसकी आंख बाहर आ गई। बीच सड़क पर मारपीट होते देख आसपास कई लोग जमा हो गए। भीड़ से एक व्यक्ति हर्षद की मदद के लिए आगे आए तो म्हात्रे ने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया और जांघ काट दी। म्हात्रे ने अपना चाकू लहराते हुए हर्षद की मदद करने पर लोगों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी। हर्षद ने बताया कि वहां डॉक्टरों ने उन्हें ममता अस्पताल जाने को कहा। हर्षद अपने चाचा के साथ उसी अवस्था में ऑटो रिक्शा से ममता अस्पताल गए और भर्ती हुए। फिलहाल आईसीयू में है लेकिन खतरे से बाहर है। वहीं हर्षद की मदद के दौरान जख्मी जय भद्र मिश्रा के जांघ की नस कट गई और काफी मात्रा में खून बहने के कारण वह डोंबिवली के एम्स अस्पताल में गंभीर हालत में आईसीयू में है। दोस्तों, मनपाड़ा थाने के पुलिस अधिकारी ने बताया कि पीड़ित के शिकायत के बाद पंडित म्हात्रे और तीन अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्य आरोपी म्हात्रे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं।